पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि यूएन 1947 से अब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझाने में नाकाम रहा है और वो इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। उन्होंने चार शर्तों के साथ भारत के सामने शांति की पहल की। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली आज पटना में दोपहर 1 बजे बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बिहार में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार भारत के संघीय संरचना को कुचलने और राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के जरिए राज्यों में समांतर सरकारें चला रही हैं। सोमनाथ भारती की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमनाथ की आज द्वारिका कोर्ट में पेशी होगी। सोमनाथ भारती की रिमांड खत्म हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास को लेकर राजधानी के स्वायत्त शासन भवन में वर्कशॉप आयोजित हुई। पार्षदों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अधिकारियों पर राय थोपने का भी आरोप लगाया। बीकानेर सहकारी होलसेल भंडार की 31वीं आमसभा की बैठक हंगामेदार रही। भंडार संचालक मंडल ने भंडार में काम करने वाले कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हंगामे के बीच 1,86,00,000 रुपए का भंडार का बजट भी पारित किया गया। सूरतगढ़ में बीएसएफ जवानों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 7 जवान घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नेशनल हाईवे 62 पर पेबरेन गांव के पास यह हादसा हुआ। घर के भुसावर कस्बे में बिजली चोरी रोकने गए बिजली कर्मचारी के साथ घर के मालिक ने हाथापाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राज्यकार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और कैमरा छीनने का मामला दर्ज करवाया। अजमेर के जलन अस्पताल के आउटडोर के पास कैंटीन में आग लग गई। सिलेंडर लीक होने से लगी आग से अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पलौदी में आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने ट्रॉले में 690 पेटी सिल्वर पैक और 100 पेटी रॉयल स्टैक ब्रांड के शराब बरामद की है। जब्त कर शराब की कीमत 30,00,000 रुपए बताई जा रही है। मेवाड़ी के चौपान की थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गांव कारेडा में घर पर घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ा है और 16 एलपीजी गैस सिलेंडर को जब्त किया है। गुहाना के सिंघाना पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नकदी और आभूषण की चोरी के आरोप में चोर संदीप को गिरफ्तार किया। जयपुर के भारत चौक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ग्रामदान की जमीन का फर्जी पट्टा जारी कर लाखों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़ करके सामा गांव में 2 अनाथ बच्चों का बाल कल्याण समिति का सहारा मिला। अब ये बच्चे पढ़ लिख कर अपना जीवन संवार सकेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज का राजस्थान युवा जाट महासभा ने सुनाई। इन सेना ने कड़ी निंदा की है। पुलिस की कार्रवाई को सुनियोजित बताया। कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद करवाए जाएंगे। विधायक हनुमान बेनीवाल पर हमले के विरोध में छात्र संगठनों ने सीकर में इसके कॉलेज में शैक्षणिक कार्य बंद करने का प्रयास किया और इस दौरान कुछ समय तक कॉलेज के छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी रही। बगरू रिको इलाके में मलबे के ढेर में रिको के मजदूर परिवार बसे हुए हैं। 15 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है लेकिन उन्हें अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं। बीकानेर में वरिष्ठ वंचित सहायक कर्मचारियों ने सांसद सेवा केंद्र में सामने धरना दिया। धरना पर बैठे शिक्षा विभाग के कर्मचारी पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे डीपीसी पर पदोन्नति किए जाने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। जोधपुर के एमबीएम अस्पताल में ठेकेदार और अस्पताल प्रशासन के बीच हो रही लड़ाई का खामियाजा, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल के दवा काउंटर और ओपीडी में जांच केंद्र काउंटर बंद पड़े हैं। बगरू में अखिल भारतीय जागरण ब्राह्मण और अमर मेडिकल रिसर्च सेंटर की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक कैलाश वर्मा ने किया। प्रियंका चोपड़ा अमेरिकी टॉक शो जिमी किमेल लाइव में नजर आएंगे, जिसे जिमी किमेल पेश करती हैं। अर्जुन कपूर अपने प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आदि है लेकिन जब न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला युजोफ्जई को देखा तो उनके पास गए और उनसे तस्वीर खिंचवाने के लिए कहा। मुंबई में स्टार प्लस के चर्चे धारावाहिक 2 मेरा हीरो के सेट पर आधारित शूटिंग प्रभावित हो गया। हादसे में किसी को चोट नहीं आई।